पाप कहलाते हैं। अब
कुछ मनुष्य तो ऐसे हैं जो आज भी जंगलों में बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे कि पशु के रहते हैं। उन्हें ना पहनने का सभ्यता है, ना खाने की सभ्यता है, उनके पास उन्हें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, वैसे ही रहते हैं जैसे पशु रहते हैं। उसके बावजूद भी कुछ मनुष्य ऐसे रहते हैं जैसे आए, खाए, पिए, सोए और चले गए। उसमें से कुछ दुर्लभ मनुष्य ऐसे होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। उस भगवान की भक्ति करते करते गुरु कहते हैं कि भगवान की कृपा को प्राप्त करके जब गुरु के चरणों का आश्रय लेकर जब भक्ति करते हैं तो वो एक दुर्लभ और बिरला मनुष्य होता है। जैसे खुदे ने बताया, उसमें उसमें ये बताया कि बड़े जैसे जगत में फूल बनाकर आप नहीं मिल सकते, उसी तरह जीवों को भी हम नहीं मिल सकते। इतने जीव है, इतने जीव है, उसमें भी कुछ स्थावर जैसे पेड़ पौधा था, कुछ उसमें फिर जलचर, कुछ स्थलचर, कुछ तिलचर। तिलचर मतलब होता है जैसे चिड़िया है, उसमें कुछ फिर उसमें स्थलचर जलचर ऐसे कुछ प्राणी हैं जो केवल पानी प्राणी में रहते हैं। ऐसे कुछ प्राणी हैं, देखना जो स्थल पर रहते हैं मिट्टी को, और ऐसे कुछ प्राणी हैं देखना जो मिट्टी में भी रहते हैं और जो पानी में भी रहते हैं। ऐसे एक जानकार देखेंगे कि जैसे पशु आया है कभी मिट्टी में रहता है कभी पानी में रहता है, सबका देखना कभी मिट्टी में रहता है कभी वो पानी में रहता है, ऐसे कुछ जीव है। लेकिन उसी जीवन में बड़ी सौभाग्यवान व्यक्ति को ये मानव शरीर मिला था, मानव शरीर मिला था। लेकिन मानव भी अपनी प्रभु बता रहे थे ना, लेक्चर फूलिंग में सफर ऐसे कुछ लोग देखते थे। ये एक क्लास अगर आप लोग अपने अच्छे तरह समझ गए फिर आप उसी को भगवान की भक्ति के बारे में बता सकते कि वो हमें भक्ति करनी चाहिए। अब ये मानव शरीर इतने दुर्लभ है, एक एक क्लास अगर समझ लेना आप किसी को भी अच्छी तरह से भगवान का भक्ति के बारे में बता सकते हैं कि कौन किसको ऊपर से दे रहे हैं। ये स्वयं भगवान, ये भगवान के मुखार में से ये कथा लिखा है, किसी को दे रहे हैं, जिसको जिसको नहीं, सबसे प्रिय भक्त श्री रूप गोस्वामी को ये ज्ञान दे रहे हैं भगवान। ये बड़े महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए मेरे गुरुदेव बच्चा कहाँ जाता है, उनको भी बुला क्लास में बात कर सका कर बेटा। जब जब हरी कथा होता है कहीं नहीं जाना, सारे काम को छोड़ के बैठ गए, उसको बाद में सारा समय सारा दिन की सेवा करते रहो। इसलिए इसलिए सबसे प्रिय मेरे जो गुरुदेव है ना, मेरे गुरुदेव का जो अति उपदेश है फिर भैया हरे व्यक्ता कर दस मिनट बाद में सारे सेवा कर बैठ बैठ और उधर जी जो है उन सब बुला जाए। इसलिए अंतिम समय में मेरे गुरुदेव ने उनका 32 उपदेश है, वो 32 उपदेश में मेरे गुरुदेव ने यही रूप सोचा था। इधर किधर आप भैया सामने सामने आपका सामने आपका इधर आओ। जब हरि कथा होता सारे काम को छोड़ कर देते, फिर 10 मिनट के बाद में सेवा करना नहीं आता ठीक है। इसलिए मेरे गुरुदेव अंतिम समय में यही शिक्षा दे रहे हैं, उनका 32 उपदेश में एक उपस्व साक्षात छोटे से लिखा है। तो बोले इनको गोस्वामी की शिक्षा करते हैं अंतिम समय में शिष्य लोग के लिए देख रहे हैं, अर्थात हरि माला का उपदेश माला माला का पाठ कोई हरिनाम नहीं करेंगे माला का पाठ माला का करना चाहिए कम नहीं करना चाहिए किसी को समझ ये चीज़ को समझ माला कम करना चाहिए माला का नहीं करना चाहिए। मेरे करीब सुना सुना है गुरुदेव कथा करते माला नहीं करते तब भी करो। तुमसे जब कोई जूनियर व्यक्ति जब क्लास आ तुमसे जब कोई जूनियर व्यक्ति हरि कथा बोलता है तभी माला का, लेकिन जब तुमसे कोई सीनियर व्यक्ति रहें कथा कहते हैं माला नहीं करनी चाहिए ठीक है ना। उस समय माला जो गुरुदेव तैयार करते हैं उस समय माला तो कहते नहीं चाहिए, गुरुदेव की लगा करनी चाहिए ठीक है ना। या
उसमें कहते हैं ऐसे कुछ जो इंसान है दुर्लभ है, इंसान है इंसान दुर्लभ है। इसलिए कल समझ रहे ना भगवान कहते हैं सूरा दुर्लभ सदा ग्रंथन का है, ये मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यहाँ पर तो कर्म करके आप स्वर्ग जा सकते हो, लेकिन स्वर्ग में ऐसे कोई काम आश्रय ग्रहण कर।
द्वारा अपनी लता का एक बीज रोपित करते हैं और वह जो दीक्षा मंत्र होता है वही एक बीज मंत्र होता है, वही वह बीज है जिसके कारण हमारी भक्ति दिन दूनी रात चौधरी तरक्की करती है और उस बीज से हम आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं और तब हमें जब हम हरिनाम करते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, गुरुदेव की बताई हुई शिक्षाओं का हम अपने जीवन में आचरण में लाते हैं, तब उस धीरे 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 हमें भगवान की उस अनुभूति का थोड़ा थोड़ा अनुभूति होती है जिससे हमें लगता है कि हम भगवान की भक्ति को कर रहे हैं और ये जो भक्ति है ये भक्ति बढ़ते बढ़ते एक विशाल वृक्ष जिसे गुरुदेव बोलते हैं कि लता बन जाती है, बहुत लंबी लता बन जाती है, वो विशाल वृक्ष बन जाता है। लेकिन होता क्या है, ये सब बात तो हम सुन रहे समझ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी करते क्या है, हम करते अपने मन की। सुनने में बहुत अच्छी लगी सारी बात कि ऐसा ऐसा सब करना चाहिए लेकिन यहाँ से जैसे ही नीचे जाएंगे तो हम ये सब बातें भूल जाते हैं और हम फिर अपने घर घर के चक्रों में अपने मोह माया में फंस कर सारा का सारा जो यहाँ से ज्ञान इकट्ठा किया वो सारा का सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। यही वो कारण है कि गुरुदेव का जो शिक्षा दे रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि अगर आप उसे ध्यान से सुन के घर के जाके चिंतन करते तो ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ कथा याद ना रहती रहती, लेकिन हम यहाँ तक तो याद रही, घर जाके अपने घर की मोह माया में फंस कर हमने सुबह से शाम तक ये सोचने की कोशिश ही नहीं करी कि आज सुबह गुरुदेव ने बताया क्या था। अगर हम एक बार ये सोच लें कि गुरुदेव ने आज सुबह हमें बताया क्या था तो हमें उसमें से 100% नहीं तो कम से कम 10% जरूर याद रखेंगे। तो यही थोड़ा सा इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं कि जब घर से आते हैं तो अपने साथ कॉपी और पेंसिल लेके आए। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं देखता हूँ भगवान क्या करते हैं, सब लोग कहते हैं कि सब कुछ भगवान करते हैं, सब कुछ भगवान करते हैं, मैं देखता हूँ भगवान कैसे करते हैं, मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा और मैं देखता हूँ भगवान मेरे मुंह में कैसे रोटी देते हैं। और जाके जंगल में बैठ गया और जंगल में जाके बैठ गया तो वहीं से देखा कि उसने एक बारात आ रही है। अब बारात आ रही है तो वो जो है ना पेड़ पे चढ़ के बैठ गया और नीचे बारात बैठ के खा, उन्होंने सोचा कि चलो सब नाश्ता कर लो, बहुत दूर से चल के आए हैं तो सब अपना अपना नाश्ता खोल के बैठ गए। तो उधर से देखा कि घोड़ों की तेज तेज आवाज आ रही है, बारातियों ने सोचा भाई यहाँ तो चोर डाकू आ गए, भाग लो यहाँ से, तो वो सारे के सारा खाना छोड़ के वहां से भाग गए। अब जब चोर आ रहे थे वहां से तो चोर ने देखा, अरे यहाँ पे इतना सुंदर सुंदर पकवान रखा है, किसने हमारे लिए रख छोड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने चाल चल के हमें मारने की कोशिश करी और इसमें जहर मिला रखा हो, पहले तो ये देखो यहाँ कोई आदमी तो नहीं है। तो उन्होंने चारों तरफ को देखा, अब वो डर के मारे कांप रहा है ऊपर, अब जब वो कांप रहा है तो उसकी कांप का पहाड़ से पत्ते हिल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि सरदार देखो ऊपर कुछ पत्ते हिल रहे हैं, लगता है वहां कोई है। तो कहने लगे अच्छा ऊपर चढ़ के देख के लाओ कोई है क्या। तो वो उसे उतार लाए नीचे, तो जब नीचे उतार के लाए, अच्छा तूने रखा है ये भोजन और इसमें जहर भी लाया है। कहने लगे नहीं नहीं मैंने नहीं रखा, नहीं तूने ही रखा है। अच्छा तो पहले तू खा इसको। कहने लगे ना मैं तो नहीं खाता। जैसे ही उसने कहा मैं नहीं खाता, इसको डंडे मारो और इसको जल्दी जबरदस्ती खिलाओ। तो उसको डंडे मार मार के उसे जबरदस्ती वो खाना खिलाया। तब उसे समझ में आ गया कि अगर मैं ना भी चाहूँ तो भी भगवान की जो इच्छा है उसे कोई नकार नहीं सकता, यानी कि उसे खाना खाना पड़ा और भगवान की उस बात पर उसे विश्वास करना पड़ा कि भगवान जो करते हैं वो सबके लिए वही करते हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध एक भी पत्ता नहीं मिलता। तो वही वो इच्छा है कि आप सबको गुरुदेव के चरणों में लाने के लिए भगवान की वो इच्छा है, भगवान की वो कृपा है और आप सब गुरुदेव के चरणों में आए और गुरुदेव ने आपको भगवत प्राप्ति का वो मार्ग दिखाया जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकें। आप सबसे भी निवेदन है कि अपनी इच्छा को मत चलाओ, जो गुरुदेव कहते हैं उसे अपने हृदय में हृदयंगम करके भक्ति मार्ग की ओर आगे बढ़ो। जय गौरव। आज और मुझे वो जो
देखो हम कल सुन किए थे जो दो शब्द है प्रभुपाद जब जब कहीं हरी कथा बोलते थे इसी दो लाइन के ऊपर में केवल इसी दो लाइन की व्याख्या करें समझो कि दो लाइन कितने बार बार बोलते कोशिश करना ये दो लाइन को याद कर ले ठीक है ना क्या किसको याद करता हूँ दो लाइन किसको याद करता हूँ ब्रह्मांड का याद रहना ब्रह्मांड ब्रह्मित तो भाग्यवान इसको याद में बोलो इसलिए खेलते की दो लाइन में याद कर लेना ठीक है ना आप कहीं भी किसी को भगवान के बारे में बताना चाहोगे केवल इसी दो लाइन में तुम व्याख्या कर लेना बस हो जाएगा क्यों भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए केवल ये दो लाइन में व्याख्या करेंगे तो बस इसी से ही सब काम हो जाएगा क्योंकि प्रभुपाद प्राय करके वो दो लाइन में व्याख्या करते थे ठीक है इसलिए कल हम सोच सुन रहे थे ब्रह्मांड प्रमित और भाग्यवान हम अनादि काल से भगवान से भूल चुके भगवान को हम भूल चुके भूल करके अब हम मथुरा मठ में गए मथुरा मठ में नहीं गए मथुरा मठ में वहाँ पर सुंदर में बड़ा सुंदर एक छवि आया एक तरफ में भगवान की जगह दूसरे तरफ में माया की जगह और बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिधर माया की जगह उधर दिखा रहे थे अंधकार शैल हाथी जहरीले सर्प उस तरह तरह भूत विस्मा एक तरह तरह अंधकार अंधकार और उस तरह तरह एक माया आया है प्रभु दूसरे तरफ में केवल प्रकाश ही प्रकाश है और उसका जो सीधा लाइन है वो गोलक वृंदावन करके आकृति को पास में गए और उसी तरह में केवल प्रकाश ही प्रकाश है इस तरह में एक साधु खड़ा हुआ वो साधु घर बुला रहा है वो व्यक्ति और बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है एक तरफ में माया खड़ी हुई एक तरह तरह साधु खड़े हुए और एक लाइन गोलक वृंदावन राधा कृष्ण का जन्म गया है अभी वो जो व्यक्ति कभी इधर देखता है वो माया के दिन आ जाए देख बिना सुंदर के संसार और कभी साधु का तय खबर था उनका देख रहे थे उस तरफ अंधकार रहता था हैं और जानवर शेर बाघ खबरदार उधर बच जाता फिर तक उनको खा जाएगा दूसरे तरफ में जो प्रकाश प्रकाश है वो साधु कहना है देख रहे हो सीधा लाइन जो वृंदावन में लेंगे और प्रकाश ही प्रकाश का इधर आ जाता है अभी वो बीच में खड़े होकर कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है अभी सोच में पड़ गया कि इधर जाता लेकिन प्राय करके जो ठीक है ना जिस हम जैसे बदल में वो माया नहीं चला जाता वो भगवान की तरफ तक नहीं गए बोले क्यों नहीं गए बोले जीव इतना क्षुद्र है इतना छोटा है वो माया आसानी से उसको पकड़ लेता है माया आसानी से उसको दबज लेती है इसलिए वो माया नहीं चला जाता और दुख कष्ट को भोग करता है संसार है दुख कष्ट करते कोई विरल व्यक्ति कोई नहीं सौभाग्य व्यक्ति होते हैं जो माया के शास्त्री को नहीं देखते थे वो भगवान की तरफ में ठाकुर जी की तरफ में जाते हैं कोई सौभाग्य व्यक्ति इसलिए कहीं ब्रह्मांड भ्रमण करते करते मतलब ये 84 लग भ्रमण करते करते पता है ना जल जाता लक्ष्यानी स्थापना लक्ष्य विसर्जी कृपया रुद्र सत्य का लक्षण के कपड़े 11-30 लाख जानवर है 11 लाख है और जल जाता तब लक्ष्यानी 9 लाख पानी के स्थापना स्थापना मतलब मिट्टी को भर में 20 लाख ऐसे करते करते फिर 4 लाख तो मानव शरीर है और उसमें भी उल्टा उठाता जल रहा इसलिए जैसे भ्रमण करते करते ब्रह्मांड भ्रमित कौन कल्पना था कौन वो भाग्यवान जी कौन वो भाग्यवान जी है बताओ भाग्यवान जी जो गुरु कृष्ण प्रसाद से भक्ति
वैष्णव की कृपा हो। गुरु वैष्णव की कृपा से दिमाग में इसलिए बता बोले कौन भाग्यवान है, तुमको भाग्यवान क्यों इधर क्यों आया है, तो भाग्यवान क्यों तो आपको बता इसकी सुकृति जन्म की सुकृति हाँ ये है। हम ही क्यों आए क्यों नहीं आए, इसलिए कि वो पूर्व पूर्व जन्म का सुकृति टिकट काटा, बहुत सारे सुकृति टिकट काटा है, तब भी वही व्यक्ति भगवत इच्छा से ये साधु को पास में आपने सब नहीं आ पाया, इसलिए करोड़ों करोड़ों जन्मों का कोई सुकृति होनी चाहिए, तब भी कोई ये भक्ति जगह जगह आएगा, जगत में सभी नहीं आ सकते, कुछ लोगों को माला करने के लिए तो मन ही नहीं लगेगा, भजन कर नहीं सकता, बोलो भगवान का नाम बैठ बैठ मिल जाएगा तो बैठ नहीं सकता वहाँ पर, बोले क्यों, जब वाल्मीकि को बोले दस रचना करो तो राम नारा जी राम बोल उसका मुझसे राम ही नहीं निकला, बोले क्यों पापी है, इसलिए पापियों को गोस्वा तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवत भक्ति है ना दुष्टों को नहीं सुहाता, वो पापियों की भक्ति अच्छी नहीं लगती है, आपको भक्ति आपको ही बहुत ही अच्छी लगती है, जब कथा हो तो कथा कुछ ही नहीं सारा दिन दौड़ दो बस अपने बस लगते जब कथा हो बस लोग पढ़ दिवा भले नहीं, इसलिए वाले कौन है, ठाकुर जी भगवान की उसको
सच्चे रिश्ते मिल जाओ, जाकर के जीवों को घर में कृपा करो, ये जीवों को घर के अनुग्रह करो, जैसे ये जीव मेरे पास में आ सकते हैं। ये सबके सब मेरे संतान हैं, मेरे को भूल करके ये माया की बंधन में जीव पड़े, फंसे पड़े हुए, इनको घर में जाकर के तुम कृपा करो, हाँ तुम कृपा करो इनको घर में। इसलिए कहते हैं कि ये गुरु जी की प्रसाद है, मतलब भगवान स्वयं जीव को हमारा पास में भगवान ने भेजा है, बोले गुरु प्रसाद है। फिर कहते हैं गुरु कृष्ण प्रसाद है, फिर यहाँ कृष्ण का प्रसाद भी बताया, गुरु जी से तो अंतर प्रसाद प्राप्त होगी, फिर कृष्ण प्रसाद, फिर कृष्ण प्रसाद भी बताया, पता कौन बोलेगा किसको याद है, गुरु जी से हमने हल्ला मिला, गुरु जी फिर भगवान हमारे ऊपर भी क्या कृपा माता जी बात बताया। देखो वो जो काल ने भी तेरे रास्ता में बैठा हुआ,
तो साधु ने काल नहीं करके गया, फिर हनुमान ने क्या किया, उसको मार डाला, उसको मार डाला फिर गए। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर हमारी पूर्वों पूर्वज जन्मों की सुकृति जब इकट्ठी हो, कौन सा सुकृति, बोले साधारण सुकृति नहीं, यदि भक्ति उन्मुख सुकृति जब तुम्हारी इकट्ठी होगी, फिर भगवान तुम्हें सही रास्ता पर रखेगा। प्रश्न है हम ही क्यों आए, दूसरे व्यक्ति क्यों नहीं आए, है तो उनकी भक्ति उन्मुख सुकृति नहीं, तभी इसे यहाँ पर नहीं आ पाए। और आप लोग आए मतलब आपकी करोड़ों करोड़ों जन्म की भक्ति उनकी सुकृति हमारी है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं हमें जो सही स्थान पर कौन भेजेगा, भगवान ठाकुर ही भेजेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं ना साधु पर असाधु पर हमें पता नहीं, वो भगवान ही कृपा करके हम भेजेंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं गुरु कृष्ण प्रसाद में, जब शुद्ध गुरु की कृपा ही वो कृष्ण प्रसाद है, और कृष्ण प्रसाद कृपा ही सतगुरु की प्रसाद है, इनकी कृपा से ये मिलते हैं और भगवान इनकी कृपा से वो मिलते हैं, गुरु जी की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण कृपा से गुरु जी मिलते हैं, इसलिए बोले गुरु कृष्ण प्रसाद पाए तद भक्ति लता बीज, यदि ये भक्ति लता बीज घर क्या है, ये चीज को समझो, ये भक्ति को उदाहरण दिया, ये भक्ति एक लता है, लेकिन जब तक बीज नहीं होगा लता ही नहीं हो सकता, बीज होगा तब तक जाकर कोई लता निकलेगा, इसलिए कहते हैं भक्ति लता क्या है, भक्ति लता कह रहे हैं जी जे बीज है ते भगवान सेवा लतिका उत्पन्न है, कहते बीज तरह तरह का बीज है, नीम का बीज है, करबल का बीज है, झिंगा का बीज है, तरह तरह का बीज है, लेकिन ये कौन सा बीज है, कृष्ण भक्ति लता की बीज है, कहते भक्ति लता बीज क्या है, बोले जिससे भगवत सेवा, जिस बीज से भगवत की सेवा रूपी लता की उत्पन्न हो, ये साधारण बीज नहीं, जिसमें भक्ति रूपी लता की बीज आई है, कहते हैं भक्ति लता का कारण बोले गुरु प्रसाद हो कृष्ण प्रसाद, जब गुरु कृष्ण की कृपा हो तब ये भक्ति लता बीज प्राप्त होता है, तद भैया को क्या चीज है, इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अन्या विलास का सुन्नम ज्ञान कर्मात्य अनाकृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा, उत्तमा भक्ति क्या है, जब इसमें कोई अभिलाषा नहीं, कि संसार की कोई हृदय में हमारी कोई भी हृदय में अभिलाषा नहीं हो, और ज्ञान कर्म को थोड़ा ढका हुआ भी नहीं है, ज्ञान कर्म मतलब हम वो ब्रह्म ज्योति में हम लीन हो जाएंगे, कर्म मतलब है हम बढ़िया जगत का कर्म करके स्वर्ग जाएंगे, ब्रह्मा और गो से मेहनत का प्रसाद घूमेंगे वहाँ अंदर का पाप बिल्कुल नहीं, इससे अलग होनी चाहिए, जिसमें केवल कृष्ण सेवा ही, जिसमें और कोई इच्छा नहीं हो, अगर कोई अगर इच्छा हो जाएगा ना उन्हें भक्ति नहीं मिलेगा, भगवान दूसरे चीज देकर टाल लेंगे, बोले पैसा चाहते हो ना ले पैसा ले, लेकिन भक्ति तेरे को नहीं, अगर भगवान की भक्ति करेंगे किसी ने बोले हमें पैसा भी नहीं मिले, लो पैसा है, लेकिन भगवान भक्ति तुम्हें नहीं देंगे, बोले भक्ति मुक्ति दे न भक्ति राखे लुटाया, वो भक्ति मुक्ति दे देंगे लेकिन भक्ति तुम्हें प्रदान नहीं करेंगे, बोले तुम यही चीज चाह रहे हो ना ले इसी चीज को लेकर रहा कर, लेकिन मेरी भक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए उसमें कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, कहते ये जो कहते ये सकल बीज है ते भक्ति लता बीज प्रीतम गुरु कृष्ण प्रसन्नता है ते भक्ति लता बीज पावा जाए, यहाँ पर कहता है भैया को भक्ति लता बीज मिलेगी कैसे, बोले जब हमारे घर में गुरुदेव वैष्णव ठाकुर जी हमारे पर जब कृपा करेंगे तभी वो बीज मिलेगी, नहीं तो बीज नहीं मिलेगी, वो बीज हमें बीज मतलब हमारे अंदर में जो भावना कब आएगी, जब गुरुदेव वैष्णव ठाकुर जी की कृपा हो नहीं तो नहीं मिलेगी, इसलिए ताहरा अप्रसन्न है, अगर गुरु जी हमारे ऊपर अप्रसन्न हो गए, वैष्णव हमारे ऊपर नाराज हो गए, ठाकुर जी नाराज गए, तो भक्ति लता बीज खत्म,
वही तक वकीलता भी नहीं आएगी वकीलता भी। इसलिए कहा अपर संग है लेकर ज्ञान विचार प्राप्ति वकीलता के किंतु शुद्ध भक्ति बीच लुप्त हो या जाए जब ये लोग नाराज होते हैं हमारे हृदय में वो भक्ति लता बीच खत्म हो जाए फिर दूसरे तीसरे हृदय में हमारी दूसरे दूसरे चीज हृदय में आ जाएगी फिर वो चीज हृदय में नहीं आएगी। इसलिए जहाँ देर प्रकृत सौभाग्य नाई तहाँ देर भक्ति लता बीच प्राप्त हो जाते ना श्रद्धावान की भाई गुरु प्रसाद आश्रय बढ़ते। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जिनका सौभाग्य नहीं है फिर उनको भी भगवत भक्ति प्राप्ति नहीं होगा। जिन कर्ण कर्ण जन्म का सौभाग्य है उनको ही ये भक्ति लता भी प्राप्त तभी होगा। इसलिए समझ गए ना कि दो लाइन समझ गए ब्रह्मांड भर में देखो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद का है भक्ति लता ठीक है ना। अब लोग कोशिश करना कितना याद कर ले फिर उसको बाद में फिर बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। गुरुदेव ने हमारे हृदय में वो बीज को बो दिया अभी हम एक माली है अभी हमारा काम क्या है हम इसको पानी देना वो पानी दिया है फिर उसको पेड़ हो गया फिर कभी बकरी फिर तेरा कहीं आकर खा जाते हैं इसलिए उसके लिए पहाड़ लगाना पड़ता है बोले पहाड़ क्या है हैं महाप्रभु की एक एक चीज को बहुत अच्छे तरह से ये चीज को समझा रहे हैं। ये इतने बढ़िया टॉपिक है अगर इतने कथा को अगर कोई समझ गया ना फिर आप जीवन में कभी भक्ति से कभी भटकोगे नहीं भक्ति मार्ग में कभी भटकोगे नहीं एकदम सही प्रॉपर मार्ग पर चलोगे एकदम सही मार्ग पर ठीक है ना। प्रसिद्धता प्रतिभा की।